गाइस, चाइना से कोई भी प्रोडक्ट खरीद के इंडिया में लाना मुश्किल ही नहीं, काफ़ी मुश्किल होता है। बहुत लोग तो बहुत ही आसानी से खरीद के इंपोर्ट करके अपने देश में ले आते हैं और उसको रीसेल करते हैं, आगे बेचते हैं या फिर पर्सनल यूज़ के लिए भी उसको यूज़ करते हैं। लेकिन बात सिर्फ चाइना से प्रोडक्ट इंडिया लाने तक की नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि चाइना से कोई भी प्रोडक्ट इंडिया या फिर किसी दूसरे कंट्री ले जाया जाए या फिर उसको अपने यूज़ के लिए या फिर बेचने के पर्पज़ से, इनफैक्ट रीसेल के लिए, तो वो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि बिल्कुल एक एजेंट का काम करती है। मतलब आपके लिए वो प्रोडक्ट खरीदेगी और फिर आपको जहाँ चाहिए इंडिया के, वर्ल्ड के किसी भी देश में, किसी भी कोने में, वो आपके लिए आपके घर तक डिलीवर देगी। इसके लिए एक दो नहीं, कपल्स ऑफ शिपिंग मेथड है जो आपको बेस्ट लगे आपके एरिया में, जो डिलीवर कर सके वो शिपिंग मेथड आप सेलेक्ट करके आप प्रोडक्ट को अपने घर तक बहुत ही आसानी से मंगवा सकते हैं और आगे सेल कर सकते हैं। आप चाहे तो अपनी एक ई स्टोर खोल सकते हैं और आप चाहे तो जैसे ही आपके स्टोर पर ऑर्डर आते हैं आप क्लाइंट के घर के एड्रेस तक डायरेक्टली उस वेबसाइट के थ्रू प्रोडक्ट को भेज के पैसे अर्निंग कर सकते हैं। जो डिफरेंसेस अमाउंट है वो आप काफी कमा सकते हैं। बेसिकली आज मैं बताने वाला हूँ YOYBUY.com। यह एक चाइनीज वेबसाइट है और इसमें जैसे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसके बाद आप कैसे प्रोडक्ट को बाई कर सकते हैं, कैसे खरीद सकते हैं। इनफैक्ट मेरे पास है यहाँ पे MI Band 3 जो कि अपने इंडिया में लॉन्च तो नहीं हुआ है बट बहुत ज्यादा फेमस है। इसको मैंने एक पीस और मंगवाया है YOYBUY.com की वेबसाइट से। बेसिकली ये आया है Taobao.com से। ये Taobao जो वेबसाइट है ये वर्ल्ड का बहुत ही पॉपुलर ई कॉमर्स वेबसाइट है। इस वेबसाइट से, इस अगर MI Band 3 को लेते हैं तो आपको जितने भी चाइनीज वेबसाइट में जो प्रोडक्ट में देते हैं ना, उससे काफी रेट सस्ता मिलेगा। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरा गाइड करूंगा, टीच करूंगा कैसे आपको प्रोडक्ट को वहां से यहां मंगवाना है। तो चलते हैं पीसी पे और दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप करके। तो गाइस, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करेंगे तो आप सीधा YOYBUY.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे है बाय फॉर मी, शिप फॉर मी, बेस्ट सेलिंग, कॉस्ट कैलकुलेटर और कस्टमर सर्विस का। लेकिन सबसे पहले आपको करना होगा रजिस्टर, तो आप करिए रजिस्टर पे क्लिक। इसके बाद एक छोटा सा फॉर्म आएगा जो कि आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पे आप चाहे तो फेसबुक से भी डायरेक्टली साइन इन हो सकते हैं या फिर ईमेल एड्रेस से भी आप लॉगिन हो सकते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी कैप्चा कोड वगैरह आपको डालना पड़ेगा और साइनअप पे जैसे क्लिक करेंगे आपका अकाउंट बन जाएगा। मेरा अकाउंट ऑलरेडी है, साइनअप किया है, तो मैं सीधा करता हूँ यहाँ से लॉग इन। यहाँ पे लॉग इन डिटेल डालने के बाद करना होगा लॉग इन। अभी आप सीधा YOYBUY.com के डैशबोर्ड में आप आ गए। यहाँ पे वही ऑप्शन बाई और शिप का सारा ऑप्शन दिया हुआ है। नीचे कुछ VIP कस्टमर के लिए, यहाँ पे देखिए मेरे पास वॉलेट में भी 0 है। जैसे जैसे आप काम करेंगे उसमें मनी वगैरह ऐड करके डायरेक्टली यहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं और आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह भी इसमें मिलते रहते हैं। नीचे यहाँ माई प्रोफाइल और माई एड्रेस बुक दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना एड्रेस जो है पूरा फिल करना है, नाम, ईमेल एड्रेस, जो भी फोन नंबर वगैरह है वो यहाँ डालने के बाद आपको यहाँ पे करना होगा सेव। इसके बाद जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करेंगे आपको जो क्लाइंट का एड्रेस है वो डिटेल डालना पड़ेगा और आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ऊपर के साइड में देख लीजिए यहाँ पे एक सर्च बॉक्स के लिए URL दिया हुआ है। बेसिकली होता क्या है, जैसे शिप फॉर मी पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे कुछ इनके पार्टनर वेबसाइट हैं जैसे कि Taobao, Tmall, 1688, MI.in जो अपना ऑफिशियल इंडिया में है, मी इंडिया जो है उसकी वेबसाइट नहीं है, Me.com जो ग्लोबल इंटरनेशनल वर्जन, जो MI का बहुत सारे प्रोडक्ट जो इंडिया में लॉन्च नहीं होते वो सारे प्रोडक्ट भी यहाँ से खरीद सकते हैं, JD है, UBA, मतलब बहुत सारे एप्लीकेशन। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको Taobao और Tmall दिखाता हूँ। तो मैंने इसको ऑलरेडी यहाँ पे खोल लिया है, ये 168 का है और आई थिंक ये, हाँ ये Taobao का है। तो इसमें अभी आपको सबसे पहले वेबसाइट खोलेंगे तो आपको ट्रांसलेट करने का पूछेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चाइना में है जो कि आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए। इस वेबसाइट में जो भी प्राइस वगैरह लिखे हैं ये सारे चाइनीज आपको अपने इंडियन रुपीज में या फिर डॉलर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लिखिए MI Band 3, सर्च करते हैं, सर्च रिजल्ट आपके सामने बिल्कुल आ गया हुआ है। और जो सबसे सस्ता सर्च रिजल्ट में जो आया है, जैसे 178 का आया, मैं चलो इसको एक बार ट्राई करता हूँ, देख लेता हूँ कि 178 से 187 के बीच में अलग अलग वेरिएशन में है। ट्रांसलेट करने के लिए पूछ रहा था, आपको मर्जी तो ट्रांसलेट कर लीजिए, क्योंकि चाइनीज समझ में नहीं आती। आपको URL जो है, आपका जो एड्रेस है उसको यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा। इसके लिए आपको यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा और जो YOYBUY वाली जो साइट है यहाँ पे है प्लीज इंटर आइटम URL, उसको यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। आप चाहे तो Ctrl+V भी कर सकते हैं या कंट्रोल यहाँ पे पेस्ट से भी आप कर सकते हैं। अब आपको करना पड़ेगा बाय नाउ पे क्लिक। तो बाय नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये YOYBUY.com क्या करेगा, आपकी जो वेबसाइट यहाँ जो थी, हाँ, Taobao.com, इससे ये कनेक्ट होगा, फेस होगा और आपके लिए बेस्ट शिपिंग मेथड, बेस्ट मेथड आपको बताएगा कि कैसे आप उसको अपने घर तक मंगवा सकते हैं। यूनिट प्राइस 187 है, जिसको अपने USD में कन्वर्ट किया है तो 29.22 USD का ये मिल रहा है आपको। इसके बाद डोमेस्टिक शिपिंग का भी 12 शेयर का इसमें चार्ज है 1.88। टोटल आपको क्या खर्चा बैठ जाएगा वो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। पहले यहाँ पे वेरिएशन है, बैंड 3 ब्लैक, तो आपको चाहिए ब्लैक ले लीजिए, ब्लू चाहिए ब्लू लीजिए,
अलग अलग दो तीन कलर में है, ग्रे भी है, ग्रीन भी है। उसके बाद आपको करना होगा एड टू कार्ट का ऑप्शन, प्रोडक्ट के नीचे सारे डिस्क्रिप्शन भी है, आप चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हैं। क्लोज एंड एड मोर आइटम या व्यू शॉपिंग कार्ट, तो मैं डायरेक्टली अब एक ही आइटम को खरीदता हूँ, सीधा व्यू शॉपिंग कार्ट पे क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ पे माई शॉपिंग कार्ड आ गया है, यहाँ पे चाहे तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं या फिर चाहे तो और भी प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। $31.09 का ये आपको लगभग पड़ रहा है। इसके बाद आपको करना पड़ेगा प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक, तो चलिए मैं प्रोसीड टू पेमेंट पे करता हूँ क्लिक। या तो YOYBUY.com के में ऐड मनी करके आप मनी ऐड कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली भी पेपैल वगैरह से चाहे तो पेमेंट कर सकते हैं। तो अभी आप सब कुछ देख लीजिए, पूरा ऑर्डर जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन पे करते ना ठीक उसी तरह का यहाँ पे ऑर्डर है। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का सपोर्ट है, QB है, वेब मनी से भी और पेपैल से भी चाहे तो पेमेंट कर सकते हैं। चलो मैं जैसे पेपैल से सेलेक्ट करता हूँ और पेपैल के जो कमीशन होते हैं 3.5% वो तो आपको लगेंगे ही लगेंगे। आप देख लीजिए क्रेडिट कार्ड पे भी कमीशन है 3.5% वो भी लग रहा है। इसके बाद वेब मनी का भी देखता हूँ, वेब मनी पे भी 2% है। तो जो भी आपको फैसिलिटीज है, मैं तो बेसिकली पेपैल ही प्रेफर करता हूँ, यहाँ पे करके परचेज ऑर्डर पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से डायरेक्टली आपको पेपैल का ऑप्शन मांगा है, लॉगिन डिटेल डालेंगे, लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ से क्या होगा, पहले पेमेंट का पूरा डिटेल यहाँ पे पेमेंट अपना कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ बस आपको पेपैल में आपको अपने कार्ड का CVV नंबर डालना है और पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करते ही आपकी पेमेंट हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, बस घर पे बैठ के आराम करना है। जो YOYBUY जो एजेंट है वो आपके क्लाइंट के एड्रेस तक, आपके घर तक, जो भी क्लाइंट के एड्रेस है उनके घर तक जो है आपका सामान सक्सेसफुल डिलीवर कर देगी। तो गाइज ये एजेंट की जो सर्विस है वो बहुत जबरदस्त सर्विस है, बहुत फास्ट डिलीवरी होती है। आई थिंक 24 आवर के अंदर में ये लोग शिपमेंट भी करा देते हैं और आपके जो क्लाइंट है उनको एज सून एज पॉसिबल जो है वो ऑर्डर मिल जाती है। लेकिन बहुत बार लोग डायरेक्टली ऑर्डर करने लगते हैं तो वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार ऑर्डर आते हैं, कई बार नहीं आते, कई बार अटक जाते हैं। एग्जैक्टली जो इश्यू होगा वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टमर सर्विस का भी आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, लाइव चैट कर सकते हैं, टिकट सबमिट कर सकते हैं, हेल्प सेंटर वगैरह है तो आपका ऑर्डर कहाँ तक आया ट्रैक वगैरह सब आप कर सकते हैं। यहाँ से भी पूछ के आपको सभी जानकारी जो है वो ये लोग प्रोवाइड कर देते हैं। तो गाइज आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।